ओके सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर टॉपिक यूनिटरी मेथड। और मैंने क्यों लिखा है कि ये बच्चों के होश उड़ा देगा, व्हाई आई हैव मेंशन दिस, बिकॉज यू विल फाइंड दैट दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज गोइंग टू बी यूज इन एवरी चैप्टर। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए मैं एक ही चीज़ आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि उनको हम एज अ टूल पढ़ते हैं। जैसे कि हमने रेशियो किया, रेशियो भी मैंने कहा था कि इट इज गोइंग टू बी यूज इन इन एवरी चैप्टर। इन द सेम वे वी डिड परसेंटेज ऑल्सो इन द प्रीवियस सेशन, एंड वी हैव सीन अगेन परसेंटेज का यूसेज बहुत सारे टॉपिक्स पर है। सेम गोज फॉर यूनिटरी मेथड। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड एक बड़ा सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, इट्स ऑल अबाउट कंपेरिजन। आपको कंपेरिजन आता है, ठीक है, आई हैव दैट फर्म कन्विक्शन कि हर एक बच्चे को कंपेरिजन आता है। और आज हम कोई नई चीज नहीं सीख रहे हैं, लेकिन हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है जहां तक कि क्वेश्चंस का सवाल है, एडवांस्ड क्वेश्चंस का सवाल है। जो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं हमें टफ लगते हैं या कॉम्प्लेक्स लगते हैं, कहीं ना कहीं यूनिटरी मेथड हमारी बहुत हेल्प करता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, आज हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से यूनिटरी मेथड का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं शुरू करता हूँ आप लोगों के साथ यूनिटरी मेथड। ठीक है, देखिए सबसे पहले जैसे कि मैंने आपसे कहा कि यूनिटरी मेथड क्या है, यूनिटरी मेथड एक कंपैरिजन है। ठीक है, यूनिटरी मेथड कंपैरिजन है। किस चीज का कंपैरिजन है? सेम कॉमोडिटीज का। जैसे मैंने कहा था ना, रेशियो इज ऑल्सो अ कंपैरिजन। अगर आपको ध्यान होगा मैंने आपसे कहा था कि रेशियो में भी हम वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। ए अपॉन बी इज इक्वल टू वन अपॉन टू है तो आप बोल सकते हो ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी, या बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए। सो वी आर कंपेयरिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो रेशियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि जब भी हम रेशियो लेंगे हम सेम चीजों का रेशियो लेंगे, यूनिट शुड बी सेम। इन द सेम वे यूनिटरी मेथड में भी जब हम कंपेरिजन करेंगे दो चीजों का, तो वो दो चीजें सेम यूनिट्स की होनी चाहिए। ओके, वी कैन कंपेयर ओनली द सेम कॉमोडिटीज। ओके, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको लेना चाहूंगा, बिकॉज माई स्टूडेंट्स नो कि मुझे लस्सी बहुत पसंद है, तो हमेशा मैं लस्सी का एग्जाम्पल देता हूँ बच्चों को। सपोज अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं कि फाइव लस्सीज, ठीक है, और एंड व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, व्हाई दिस मेथड इज इंपॉर्टेंट, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये मेथड क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे बोलूं कि फाइव लस्सीज इज ऑफ 250 रुपीज, ओके, एंड इफ आई विल टेल यू टू फाइंड आउट द प्राइस ऑफ सेवन लस्सीज, मुझे मालूम है आप मुझे यूं बता दोगे। ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी स्कूल्स में या बच्चे क्या करते हैं, पहले वो यूनिट लस्सी का प्राइस निकालते हैं, पहले वो वन लस्सी का निकालेंगे, फिर वो सेवन का निकालेंगे। ठीक है, हम ये कहते हैं कि आपको सिर्फ कंपैरिजन आना चाहिए, आपको यूनिट किसी भी कॉमोडिटी की यूनिट का प्राइस निकालने की जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी लाइफ में। यहां पर आपको वन लस्सी का प्राइस निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। आई नो कि बहुत इजी एग्जांपल है, लेकिन आपके समझ में आना चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस इजी एग्जांपल। और लस्सी क्यों? क्योंकि इट्स माय फेवरेट एंड इट्स हेल्दी ऑल्सो। ठीक है, तो मैं बच्चों को रिकमेंड भी करता हूँ कि आप लस्सी जरूर पिया करें समर्स में, आप चाहे तो विंटर्स में भी पी सकते हैं मेरी तरह। तो पांच लस्सीज अगर 250 रुपीस की है, तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछूंगा कि जो सेवन लस्सीज के प्राइस होंगे वो इस गिवन प्राइस से, जो ये गिवन प्राइस है उससे ज्यादा होंगे या उससे कम होंगे? ओके, वेरी गुड। तो जाहिर सी बात है कि सर वो जो प्राइस होने वाले ना वो हमेशा ज्यादा ही होंगे, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगा। इसको हम डायरेक्ट वेरिएशन भी कहते हैं, वी कॉल इट डायरेक्ट वेरिएशन। व्हेनेवर द क्वांटिटी इंक्रीजेस, Whenever the quantity increases, the price also increases. Okay? तो ये direct proportional वाली चीज हो गई, quantity बढ़ी price भी बढ़ा, so they are both directly proportional to each other या directly related to each other. Okay? या direct variation आपको देखने को मिल रहा है, कुछ indirect variations भी होते हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जिस price से हम compare कर रहे हैं कि उससे ज्यादा या कम, उसको हम लोग बोलते हैं individual value. क्या बोलते हैं? Individual value. This you will not find in any of the book. इंडिविजुअल वैल्यू, और इसी इंडिविजुअल वैल्यू के टर्म्स में ही हमेशा आंसर आता है। देखिए, मैं लस्सी को लस्सी से ही कंपेयर कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ लस्सी ले लिया और मैंने यहाँ बनाना शेक ले लिया। ठीक है, ये भी मैं आपको एज अ नोट में लिखाऊंगा कि वेन देर आर टू डिफरेंट कॉमोडिटीज एंड देर इज नो रिलेशन बिटवीन देम, देन यू कैन नॉट अप्लाई दिस मेथड। तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में कहाँ मुझे यूनिटरी मेथड लगाना है और कहाँ मुझे नहीं लगाना। हाँ, लेकिन साथ में जो मैंने टॉपिक्स कवर करे हैं, जैसे रेशियो है, जैसे परसेंटेज है, वो भी आपको आना चाहिए। खासकर परसेंटेज का जो पॉजिटिव अप्रोच है वो आपको आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में ऐसे लेकर आया हूं जहां पर
यूनिटरी मेथड तो अप्लाई होगा ही होगा, लेकिन साथ में यू शुड नो द पॉजिटिव अप्रोच ऑफ परसेंटेज. ओके, तो यहां पर जब आपने कंपेयर किया, सो व्हाट यू हैव गॉट मोर. वेन एवर मोर कम्स ऑन कंपेरिजन द फॉर्मूला बिकम्स लाइक दिस. जब भी मोर आएगा तो न्यूमरेटर में मोर और डिनोमिनेटर में लेस, दो ही चीजें होती है, मोर या लेस. और फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे अपने इंडिविजुअल वैल्यू से. देखिए यहां पर एक चीज आपने समझनी जरूरी है, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं इन द चैप्टर रेशियो. ओके, ये जो मोर अपॉन लेस है ना, ये एक रेशियो ही तो है या ये एक फ्रैक्शन ही तो है. तो जो मोर अपॉन लेस में जो भी वैल्यूज आएंगी, मोर अपॉन लेस का मतलब है यहां पर हम देखेंगे कि मोर क्या है लेस क्या है, तो वो मोर और लेस सेम यूनिट्स की होनी चाहिए ना वो दो चीजें. तभी मैंने कहा था कि हम कंपैरिजन सेम चीजों का करते हैं. तो अगर बाय द वे यहां पर कुछ भी यूनिट है, सपोज सेंटीमीटर सेंटीमीटर भी है, तो वो तो यूनिट्स भी कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि हमें पता है कि रेशियो की तो कोई यूनिट होती नहीं है. तो इस वाले टर्म की मोर बाय लेस की तो कोई यूनिट आने वाली नहीं है. हाँ, लेकिन जो इंडिविजुअल वैल्यू होगा उसकी यूनिट आ जाएगी आंसर में. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से दैट आंसर ऑलवेज कम्स इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल वैल्यू. इफ इट इज इन रुपीज, आंसर इज ऑल्सो विल ऑल्सो कम इन रुपीज. ओके, तो 5 लस्सी के प्राइस 250 है, तो 7 लस्सी के मोर हो जाएंगे. वेन एवर मोर कम इन द कंपेरिजन, बस यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज देन. तो मोर क्या है, 7 इज मोर, आगे लस्सी लिखने का भी जरूरत नहीं है. एंड वट इज लेस, 5 इज लेस. फिर इन टू इंडिविजुअल वैल्यू करोगे तो इंडिविजुअल वैल्यू की यूनिट जरूर लिखोगे. देखो मैंने यूनिट लिखी 250 रुपीज, ठीक है, ये आप जरूर लिखेंगे. और यहां से जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो 550 टाइम्स एंड द आंसर इज गोइंग टू बी 350 रुपीज. ठीक है, डोंट गो फॉर द आंसर. मुझे मालूम है कि जब मैंने आपको ये दिया होगा आपने तभी आंसर कैलकुलेट कर लिया होगा. आप ये सोच रहे होंगे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो बहुत ईजी है. आई नो इट्स वेरी इजी, लेकिन जब इसका एप्लीकेशन देखेंगे देन यू विल कम टू नो कि ये कैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन में आपको आपको कैसे मदद करता है. सो मोर बाय लेस इनटू इंडिविजुअल वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट है. खास बात क्या है कि आंसर हमेशा इंडिविजुअल वैल्यू के टर्म्स में आता है. ठीक है, तो कंपैरिजन में मोर आ सकता है, कंपैरिजन में लेस भी आ सकता है. तो एक एग्जांपल देख लेते हैं एक और, जैसे कि हमने अभी देखा, अभी हमने देखा कि 7 लस्सीज कितने की आई हमारी, 350 रुपीज की. सो व्हाट इज गोइंग टू बी द प्राइस ऑफ 4 लस्सीज सपोज. ठीक है, तो अब आपने क्या देखा, फिर से दिस इज 350 रुपीज इज द इंडिविजुअल वैल्यू, इसी से आपको कंपेयर करना है. अगर 7 लस्सीज 350, अब क्वांटिटी कम हो रही है, 4 लस्सीज डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी लेस देन 350. तो यहां पर कंपैरिजन में क्या आ जाएगा, लेस. एंड व्हेन एवर लेस कम्स इन द कंपैरिजन द फॉर्मूला बिकम्स लेस बाय मोर. देखिए जब मोर आएगा तो मोर बाय लेस हो जाएगा, लेस आएगा तो लेस बाय मोर. जो भी कंपैरिजन में आएगा वो न्यूमरेटर में आ जाता है. लेस आया तो लेस कम्स इन द न्यूमरेटर, सो लेस अपॉन मोर इन टू इंडिविजुअल वैल्यू. शॉर्ट में आई भी लिखूंगा. ओके, इंडिविजुअल वैल्यू, तो दोनों में से लेस क्या है, 4 इज लेस, 7 इज मोर, इनटू इंडिविजुअल वैल्यू इज 350 रुपीज. आई नो दैट यू नो द आंसर, लेकिन अभी सिर्फ इस कंपैरिजन को समझने के लिए, इस यूनिटरी मेथड को समझने के लिए आप जरूर इसे नोट डाउन कर लीजिएगा. तो 7 5 35 इट्स गोइंग टू बी 200 रुपीज. ओके, साथ ही साथ अगर मैं आपसे ऐसा भी पूछूं कि जैसे हमने अभी कैलकुलेट किया कि 4 लस्सीज कितने की है, अभी हमने देखा 200 रुपीज की है, सो व्हाट इज गोइंग टू बी द प्राइस ऑफ 5 बनाना शेक्स. ठीक है, बनाना शेक्स का क्या प्राइस होगा. तो मैं आपसे, मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि हमेशा जब भी हम कंपैरिजन करेंगे, सेम चीजों का कंपैरिजन करेंगे, तो आई डोंट हैव एनी जूस शॉप की वहां पर मैं आपको लस्सी भी दे रहा हूँ, बनाना शेक भी दे रहा हूँ और प्राइस आपको बता रहा हूँ. इट्स सिंपल मैथ्स, मैथ्स में ध्यान दीजिएगा. वेन एवर वी अप्लाई यूनिटरी मेथड, द कॉमोडिटीज शुड बी ऑफ सेम काइंड, शुड बी ऑफ सेम यूनिट. सो हियर यू कैनॉट अप्लाई द यूनिटरी मेथड. ओके, तो नोट में क्या हमें देखने को मिला, नोट में हमें एक तो ये देखने को मिला सबसे पहले कि यूनिटरी मेथड इज एप्लीकेबल ऑन द कॉमोडिटीज ऑफ, या ऑन द, ऐसे लिख लेता हूं, ऑन द कॉमोडिटीज ऑफ सेम यूनिट्स. ठीक है, सबसे पहली बात. ओके, ये आपको ध्यान में रखना है. द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट जो भी आंसर आएगा हमें ध्यान रखना है, इंडिविजुअल वैल्यू क्या दी है हमारी. इंडिविजुअल वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जो दी है, विच इज गिवन टू यू, जिसके जिसके कंटेक्स्ट में हम कंपेयर कर रहे हैं. सो आंसर्स ऑलवेज कम इन टर्म्स ऑफ एन इंडिविजुअल वैल्यू. हमेशा याद रखना, आंसर हमेशा इंडिविजुअल वैल्यू के ही टर्म में आएगा.
okay, do remember this two points, okay, these two points are important. ठीक है, आप डिफरेंट डिफरेंट चीजों में यूनिटरी मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो क्वेश्चंस को देखकर आपको समझ में भी आ जाएगा कि अच्छा यहां पर हम यूनिटरी मेथड अप्लाई कर सकते हैं. इसलिए हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं स्कोप होता है यूनिटरी मेथड को अप्लाई करने का. हाँ, प्रोवाइडेड बाय द कंडीशन कि आपको सेम कॉमोडिटीज के बीच में कंपेरिजन निकालना है. ओके, सो आंसर्स ऑलवेज ऑलवेज कम इन टर्म्स ऑफ एन इंडिविजुअल वैल्यू. अच्छा, खास बात एक ये भी है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि देखिए ये तो आपने जो देखा कि ये तो था डायरेक्ट वेरिएशन. ओके, आपने देखा कि सपोज फाइव बुक्स कितने की है, 50 रुपीज की है. ओके, तो 10 बुक्स कितने की हो जाएंगी, आपको पता है कि 10 बुक्स ज्यादा की होगी. तो जब क्वांटिटी इंक्रीजेस द प्राइस ऑल्सो इंक्रीजेस, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन, जो अभी तक हम देख रहे थे. ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में डायरेक्ट के साथ इनडायरेक्ट वेरिएशन भी आपसे पूछा जा सकता है. इनडायरेक्ट वेरिएशन भी आपको आना चाहिए. देखिए, इट्स वेरी इजी. अगर मैं बोलूंगी फाइव मेन किसी काम को अगर वो करते हैं 10 डेज में, तो अगर 10 मैन उसी काम को करेंगे तो वो काम जल्दी हो जाएगा. सो यहां पर लेस आ जाएगा, लेस. तो यहां पर आप रिवर्स ऑर्डर देखेंगे कि जब नंबर ऑफ मैन बढ़ रहे हैं तो काम के नंबर ऑफ डेज कम हो रहे हैं. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये टाइम एंड वर्क में सारा इनवर्स वेरिएशन ही तो है, या इनडायरेक्ट वेरिएशन तो है. यहां पर जब नंबर ऑफ मैन बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन में आपको डिफरेंट टाइप्स के कंपैरिजन आ सकते हैं. डिफरेंट टाइप्स का मतलब है कि उसी में डायरेक्ट वेरिएशन भी होगा, उसी में इनडायरेक्ट वेरिएशन भी होगा. तो वो आपको आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है. टाइम इन वर्क में पूरा इनडायरेक्ट वेरिएशन है. जब नंबर ऑफ मैन बढ़ेंगे, जब मैन पावर बढ़ेगी, तो काम जल्दी होगा ना. जब 5 लोग 10 दिन में काम कर रहे हैं, अब 10 लोग मिलकर काम करेंगे तो डेफिनेटली 10 दिन से कम में होगा. सो इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट वेरिएशन. ओके, बाकी फॉर्मूला सेम है, बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि इनडायरेक्ट वेरिएशन और डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट यूनिटरी मेथड. हमें शायद से 5 मिनट लगे इस यूनिटरी मेथड को पढ़ने में, लेकिन अब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको मजा आने वाला है. ठीक है, तो आइए क्वेश्चंस पे आते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आप कैसा है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस. आपको दिया है 3 diggers कैन डिग 3 pits इन 3 hours. हाउ मेनी pits कैन 6 diggers डिग इन 5 hours. ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चंस काफी एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं. देखिए क्या क्या गिवन है उसको लिखूंगा, क्योंकि यूनिटरी मेथड का हमने एक फॉर्मेट देखा था. जो चीज निकालनी होती है उसको हम हमेशा राइट साइड में लिखते हैं, और यहां पर तो 3 3 चीजें दी हैं. अभी पहले के एग्जांपल्स में देयर वर 2 थिंग्स. सपोज नंबर ऑफ मेन है तो नंबर ऑफ डेज है. सपोज नंबर ऑफ लस्सीज है तो उसका प्राइस है. अब यहां पर 3 3 चीजें हैं तो कैसे कंपेयर करेंगे वो भी आपको सीखने को मिलेगा. निकालना क्या है, हाउ मेनी पिट्स निकालना है. तो मैं पिट्स को हमेशा राइट में रखूंगा, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं नंबर ऑफ पर्सन्स लिख लेता हूं, या डिगर्स है जो भी है. ठीक है, क्योंकि मुझे पिट्स निकालना है तो मैं पिट्स को सबसे राइट में रखूंगा. उसके बाद टाइम लिख लेता हूं यहां पर, या नंबर ऑफ आवर्स लिख लेता हूं, नंबर ऑफ आवर्स. ठीक है, और सबसे लास्ट में मैं लिख लेता हूं नंबर ऑफ पिट्स. ओके, सो व्हाट इज द कंडीशन गिवन टू यू दैट देयर आर 3 persons, 3 लोग हैं, 3 diggers हैं. कितने घंटे काम कर रहे हैं, 3 घंटे काम कर रहे हैं. कितने पिट्स खोद रहे हैं, 3 pits खोद रहे हैं. ठीक है, ओके, क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी पिट्स कैन 6 diggers, मतलब 6 लोग अगर काम करेंगे, कितना काम कर रहे हैं, 5 घंटा, तो कितने गड्ढे खोदेंगे. दिस व्हाट यू हैव टू फाइंड, ये आपको निकालना है. अब आप कहेंगे सर 3 3 चीजें हम कंपेयर कैसे करें, तो कुछ नहीं करना, आपको 1 by 1 कंपेयर करना है. याद रखना जो चीज दिया है और जिसके रिस्पेक्ट में आपको आंसर निकालना है उसी को हम इंडिविजुअल वैल्यू कहते हैं. यहां पर 3 pits इंडिविजुअल वैल्यू, तो आंसर पिट्स में ही आएगा, और हमें निकालना भी पिट्स है, तो पिट्स ही तो आएगा आंसर. ओके, सो कैसे कंपेयर करेंगे, इट्स वेरी इजी. सबसे पहले हम नंबर ऑफ पर्सन को करेंगे इंडिविजुअल वैल्यू से कंपेयर. व्हेनेवर वी कंपेयर नंबर ऑफ पर्सन, उस वक्त ये नंबर ऑफ आवर्स को आप देखना भी मत, इसको भूल जाना. ओके, इसको देखने की भी जरूरत नहीं है. तो मैं यहां पर क्या कहूंगा, मैं यहां पर ये कहूंगा कि सपोज अगर 3 लोग, सपोज इफ देर आर 3 persons, इसको आप भूल जाओ, इसको आप भूल जाओ. वो टाइम आप कुछ भी ले सकते हो एट द बैक ऑफ योर माइंड. आप 1 घंटा ले लो. सपोज अगर 3 लोग 1 घंटे में 3 pits खोद रहे हैं, तो 6 लोग 1 घंटे में कितना, देखिए वो आपको यूनिफॉर्म लेना पड़ेगा बीच वाला चीज. अभी आपको 3 और 5 नहीं लेना कुछ भी, नहीं तो चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएगी. इसको मैं ऐसे इसलिए आपके सामने छुपा रहा हूं ताकि आपके लिए कंपैरिजन इजी हो जाए. तो यू कैन टेक एनी टाइम. ओके, अपने मन में कुछ भी टाइम ले लीजिए, और आप ये देखिए कि 3 लोग 1 घंटे में, सपोज 3 pits खोद रहे हैं, तो 6 लोग 1 घंटे में. अब ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा pits करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा मोर. सबसे पहले तो मोर डायरेक्टली मत लिखना, यहां पर जिसके लिए कंपेयर कर रहे हो उसके नीचे मोर आएगा.
ठीक है, मोर मतलब यहां पर जो भी आएगा, मोर आ गया तो मोर बाय लेस इज गोइंग टू कम, ठीक है। तो ये जब हमारा कंपेयर हो गया तो ठीक है, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट कंपैरिजन किसके साथ होने वाला है। नेक्स्ट कंपैरिजन हमारा होने वाला है नंबर ऑफ आवर्स और इंडिविजुअल वैल्यू का, क्योंकि सभी को हम इंडिविजुअल वैल्यू से कंपेयर करेंगे। और अब हमें नंबर ऑफ पर्सन देखने की जरूरत नहीं है। अब आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, कोई भी, मैं हूं सपोज, आप मेरा एग्जाम्पल ले लो, मैं 3 घंटे में 3 गड्ढे खोदता हूं, 3 आवर्स में मैं 3 पिट्स खोद रहा हूं, तो 5 आवर्स में मैं कितने खोदूंगा? डेफिनेटली मोर, डोंट से 5 राइट नाउ, मोर, यू जस्ट हैव टू कंपेयर मोर और लेस। 3 घंटे में अगर मैं 3 पिट्स खोद रहा हूं तो 5 घंटे में डेफिनेटली 3 से तो ज्यादा ही खोदूंगा, तो यहां पर भी आ गया मोर, ठीक है। देखिए ये जो दो दो मोर है ना, देखिए ये फॉर्मूला कैसे बनता है, जहां पर भी मोर आता है तो फॉर्मूला बिकम्स मोर बाय लेस इन टू, फिर से मोर आए कंपेरिजन में, अगेन द फॉर्मूला इज गोइंग टू बी मोर बाय लेस एंड देन फाइनली इन टू इंडिविजुअल वैल्यू, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं आईवी। तो फॉर्मूला ये बन गया, और ये अगर फॉर्मूला बन गया मोर बाय लेस अगर आप करोगे तो इट्स गोइंग टू बी 6/3, ओके। पहले वाला मोर बाय लेस देख लो, उसमें मोर 6 है, दूसरे वाले में फिर से मोर बाय लेस, तो इट्स गोइंग टू बी इनटू 5/3 एंड इनटू इंडिविजुअल वैल्यू इज 3 पिट्स, तो प्लीज पिट्स भी लिखिएगा, पिट्स भी लिखिएगा, और यहां से 3 से 3 कैंसिल, सो 3 2s एंड यू विल गेट 10 पिट्स, सो द आंसर इज 10 पिट्स। देखिए कितना ईजी हो गया आपके लिए इसको करना, कंपेरिजन, ओके, 3 persons 3 hours 3 pits, 6 persons 5 hours हाउ मेनी पिट्स, द आंसर इज 10 pits, ओके। सो दिस इज वन ऑफ द वैरायटी जहां पर वी हैव यूज्ड यूनिटरी मेथड, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो प्लीज कॉमेंट कीजिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन मैं और आपके साथ लाऊंगा, और जितने ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन देखेंगे, उतनी ही ज्यादा क्लैरिटी आपको देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, नाउ दिस इज अगेन वन ऑफ द वैरायटी, 120 मेन हैड फूड प्रोविजन फॉर 200 डेज, आफ्टर 5 डेज 30 मेन डाइड ड्यू टू एन एपिडेमिक, हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग फूड लास्ट। तो इसमें भी आप देख सकते हैं, जैसे कि यहां पर आपको नंबर ऑफ मेन भी है और कुछ फूड प्रोविजन भी है और नंबर ऑफ डेज भी, 3 3 चीजें हैं, ठीक है। तो 3 3 चीजें निकालना क्या है आपको, आपको निकालना है हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग फूड, हाउ लॉन्ग का मतलब है कितना समय, मतलब आपको नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना है, तो उसको मैं राइट में लिखना पसंद करूंगा। तो सबसे पहले मैं सपोज लिखता हूं नंबर ऑफ मेन, तो यहां पर नंबर ऑफ मेन कितने हैं मेरे, नंबर ऑफ मेन कितने हैं, 120 मेन है, ओके। अच्छा फूड प्रोविजन भी ले लेते हैं, फूड प्रोविजन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सपोज फूड प्रोविजन की क्वांटिटी को मैं 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सपोज कोई फूड प्रोविजन है, राशन है, और 120 आदमियों में जो राशन आपने लिया, सपोज 1 राशन है वो, उसकी कंप्लीट वैल्यू मैंने 1 ले लिया, और वो 1 राशन कितने दिन चल रहा है, नंबर ऑफ डेज कितने दिन चल रहा है, नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर लेते हैं, कितने दिन चल रहा है, 200 डेज, वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज व्हाट गिवन टू यू। अब ध्यान से देखना, अब बोल रहा है आफ्टर 5 डेज, अब इसमें थोड़ा सा अलग से भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 5 दिन बाद आफ्टर 5 डेज 30 men डाइड ड्यू टू एन एपिडेमिक, ठीक है। तो कोई बीमारी आई होगी, उसके वजह से 30 लोग मर गए, बचे कितने, अब ओनली 90 men आर लेफ्ट, ओके। 5 दिन बाद, इसका मतलब 5 दिन तो इन 120 आदमियों ने खाना खाया होगा, क्योंकि उनके पास 200 दिन का खाना था, 200 डेज का खाना था, एंड डेफिनेटली कि 5 डेज उन्होंने खाना खाया होगा। नाउ 1 प्रोविजन तो आप एज इट इज यहां नहीं लिख सकते, यहां पर कुछ खाना जो आपको कैलकुलेट करना है दैट इज नॉट मेंशनड हियर, तो ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इट्स वेरी इजी। अब यहां पर अलग से यूनिटर मेथड लगा सकते हो, तब हम फाइनली इसको करेंगे। देखिए आपको पता है कि 200 डेज, अब देखिए मेन तो 120 है तो वो लेने की जरूरत नहीं है आपको, 200 डेज में कितना खाना लगता है, 1 खाना लगता है, सपोज 1 प्रोविजन इज देयर, ओके। तो ये खाना कितने दिन खाया गया, सिर्फ 5 डेज शुरुआती, टोटल 120 मेन वो कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो 120 मेन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि 120 लोगे तो उसमें मोर बाय लेस क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। सो नंबर ऑफ डेज एंड प्रोविजन ये अलग से मैं लगा रहा हूं, ताकि यहां पर अब कितना खाना बचाओ, क्योंकि ये जो खाना दूसरी कंडीशन का आएगा ये 5 दिन बाद का है, तो कुछ खाना 5 दिन में खत्म हो गया, वो कितना खाना खत्म हुआ है वो मैं कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूं। 200 दिन में अगर 1 खाना लगता है पूरा 1 प्रोविजन, तो 5 दिन में कितना लगेगा, उससे कम, सो यहां पर आ जाएगा लेस। जब आप लेस बाय मोर करोगे, सो इट्स गोइंग टू बी 5/200 इंटू 1 इंटू इतना प्रोविजन 5 दिन में लगा, इतना प्रोविजन 5 दिन में लगा, सो इट्स गोइंग टू बी हाउ मच, 1/40 प्रोविजन लगा। लेकिन यहां पर क्या हम 1/40 लिखेंगे, नहीं, हम देखेंगे कि रिमेनिंग कितना है,
रिमेनिंग इफ 1/40 इज द प्रोविजन जो कि 5 दिन में कंज्यूम किया इन्होंने. अब खाना कितना बचा, टोटल 1 था, 1 - 1/40 इट्स गोइंग टू बी 39/40. तो 5 दिन बाद जब 30 men died, तो अब खाना सिर्फ बचा है 39/40, प्रोविजन इज लेफ्ट, और वो अब कितने दिन पहुंचेगा, दैट व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट. आफ्टर 5 डेज 30 men died ड्यू टू एन एपिडेमिक, हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग फूड लास्ट. रिमेनिंग फूड कितना लंबा चलेगा, आपके पास 90 men है, 30 men हैव डाइड. ओके, तो अब ये फिर से यूनिटरी मेथड वाला जो हमारा पहला टाइप था उसी तरीके से क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है. मैंने कहा है 1/1 हम लोग कंपेयर करेंगे, ये देखने की जरूरत भी नहीं है. फूड प्रोविजन कुछ भी आप ले सकते हो. सपोज 120 men आर देयर, 120 men, अब ध्यान से देखना इस चीज को, 120 men कुछ भी ले लीजिए आप. सपोज 120 men कोई काम कर रहे हैं, सपोज एक बिल्डिंग बनानी है, तो 120 men एक बिल्डिंग को 200 डेज में बना देते हैं सपोज. ओके, आई कैन टेक एनी टास्क, ओके इवन आई कैन टेक एनी फूड प्रोविजन ऑल्सो, वो कॉमन लूंगा मैं दोनों केसेस में, इसलिए मैं कह रहा हूं उसको देखने की जरूरत भी नहीं होती. अगर मैं ये कहूं कि 120 men किसी काम को 200 डेज में करते हैं, उसी काम को अगर 90 men करेंगे, उसी काम को, काम शुड बी कॉमन. अब आपको पता ना बेटा, देखिए इनडायरेक्ट वेरिएशन है, लोग कम हो चुके हैं, जब लोग कम हो जाते हैं तो समय ज्यादा लगता है. ठीक है, ओके, जब लोग कम हो जाते हैं तो समय ज्यादा लगता है, तो ज्यादा लगेगा तो क्या आएगा, मोर. तो यहां पर मैं लिख दूं मोर बाय लेस, मोर अपॉन लेस इनटू, इसका कंपैरिजन ओवर हो गया, इस पे आ जाते हैं फूड प्रोविजन. सपोज एक फूड प्रोविजन है हमारे पास, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरे पास इतना राशन है, मेरा 200 दिन चल जाएगा, इतना राशन है 200 दिन चलेगा. अब इतना राशन हो गया तो इससे थोड़ा कम हो गया, तो वो 200 दिन चलेगा, उससे कम चलेगा, डेफिनेटली उससे कम चलेगा. तो यहां पर क्या आ जाएगा, लेस बाय मोर. ओके, एंड एन टू इंडिविजुअल वैल्यू इज 200 डेज. ओके, तो बस हमें इसी को सॉल्व करना है, वी जस्ट हैव टू सॉल्व दिस. तो मैं इसको यहां पर रब करके, इसको यहां पर वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व कर लेते हैं, एंड वी गेट द आंसर. मोर बाय लेस उसमें क्या हो जाएगा, 120 अपॉन 90 इनटू लेस बाय मोर, लेस 39/40 है और अपॉन 1 करोगे तो 39/40 आएगा, इसलिए अपॉन 1 नहीं कर रहा हूं मैं, इनटू 200 डेज. 200 के आगे डेज लगाना जरूरी है, इंडिविजुअल वैल्यू है ना. इसको सिंप्लीफाई करोगे विल गेट द आंसर 45 टाइम्स. 0 से 0 कैंसिल, 3 टाइम्स, 3 13 टाइम्स, 3 4 टाइम्स. सो इट्स गोइंग टू बी हाउ मच, इट्स गोइंग टू बी, दिस इज गोइंग टू बी 4 3 जा 12 कैरी 1, 52 इंटू 5 इट्स गोइंग टू बी 260 डेज. ओके, लोग कम हुए हैं तभी तो खाना अब लंबा चल रहा है. 5 दिन कुछ खाना खर्च हुआ 1/40, लेकिन अब लोग काफी कम हो चुके हैं, 30 men died, that's why अब वो remaining 260 days और चल रहा है. ठीक है, तो अगर मैं आपसे अब बोलूं कि ये total days कितना खाना चला होगा, तो 5 days initially लगे, 5 दिन खाना खाया गया 120 men ने, फिर और 260 days लगे, so total 265 days लगे. ओके, क्यों लगे, क्योंकि बीच में ट्रेजेडी हो गई, अदरवाइज वो खाना सिर्फ 200 days पहुंचता, क्योंकि कुछ लोग मर गए, इसलिए अब कुछ दिन और, 60 days और, 2 महीने और वो खाना चल रहा है. आई होप You have understood this. अच्छा क्वेश्चन है, ऐसी वैरायटी एग्जाम्स में आते रहती है. अभी मैं आपको कोई शॉर्टकट तरीका नहीं बता रहा हूं. सो दिस इज द एक्चुअल मेथड, यू शुड फर्स्ट नो द एक्चुअल मेथड. जब आपको एक्चुअल मेथड आता है, देन आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर द शॉर्टकट मेथड्स. ओके, एक्चुअल मेथड बताना इसलिए जरूरी है ताकि थोड़ा सा भी वेरिएशन आ जाए इस क्वेश्चन में, तो आप एक्चुअल मेथड अगर आपके पकड़ में है तो आप उस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हो. इफ यू गो फॉर शॉर्टकट, मैं चाहता था एक फॉर्मूले में आपको ये क्वेश्चन करवा सकता था. ओके, बट दैट इज नॉट माई स्टाइल. अगर मैं आपको सिर्फ एक फॉर्मूले में कराऊं तो अगर थोड़ा सा भी वेरिएशन आ जाए तो फिर आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे. चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इस अगले सवाल में आप देखोगे कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है, और आप कहोगे सर प्रॉफिट एंड लॉस में भी यूनिटरी मेथड लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, लग सकता है. तो इस क्वेश्चन को मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा. पहले तो हम एक बार नॉर्मल तरीके से कर लेते हैं और फिर डायरेक्टली यूनिटरी मेथड से करेंगे. हमेशा याद रखना कि यूनिटरी मेथड में सेम कमोडिटीज होनी चाहिए, तभी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, तभी मोर बाय लेस, लेस बाय मोर लिख सकते हैं. तो पहले नॉर्मल तरीके से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को. अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आता तो प्लीज मेरा वीडियो जरूर देखिएगा, ऑलरेडी आई हैव मेड अ वीडियो ऑन इट. और अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आप आराम से प्रॉफिट एंड लॉस के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं. तो इसमें क्या है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल, तो आपको एसपी दिया है, कितना दिया है 3000. अ पर्सन लूजेस 20%, तो लॉस कितना दिया आपको, 20% का लॉस दिया है.
हाउ मच विल ही गेन और लॉस इफ ही सेल्स. अब सेलिंग प्राइस चेंज हो रहा है तो फर्स्ट कंडीशन से पहले हम सीपी निकाल लेते हैं. तो फिर से मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, एसपी इज अ फंक्शन ऑफ सीपी. 20% लॉस का मतलब है 80/100. तो यहां से सीपी की वैल्यू आ जाएगी, एसपी इज 3000 इंटू 100/80. ओके, तो यहां पर अगर मैं 4 से देखूं तो 420 एंड 4, अच्छा 4 से क्यों करें, 5 से करते हैं, ये 80 है ना. सो 5 हाउ मेनी टाइम्स, 16 एंड, अच्छा इसको तो 0 से 0 कट कर लेता हूं मैं, 80, 0 से 0, 2 5 जा 2 4 जा, ठीक है. तो ये आ गया सीपी की वैल्यू कितनी आ गई, इसको मैं लिखता हूं 30 × 100 × 5/4, 425 टाइम्स. सो इट्स गोइंग टू बी सीपी इज इक्वल टू 25 × 3 = 750 × 5, और सीपी की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 5 × 5 = 25 कैरी टू 3750 रुपीज. ओके, सो 3750 का आर्टिकल अगर आप 3000 में बेचोगे तो डेफिनेटली आपको लॉस ही होगा. अब दूसरी कंडीशन में, अब नाउ सीपी रिमेन्स फिक्स्ड. अब दूसरी कंडीशन में वो बोल रहा है कि अब आप उसको कितने में बेचोगे, 3900, तो आपको क्या होगा. अब सीपी आप, आपको समझ में आ गया, तो जो आपकी न्यू एसपी है, न्यू एसपी कितनी है आपकी, 3900. सो न्यू एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, सो देयर विल बी प्रॉफिट. ओके, वो आपको प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा यहां पर आपका, प्रॉफिट इज गोइंग टू बी एसपी माइनस सीपी. एसपी बड़ा है ना, एसपी माइनस सीपी करोगे कितने का प्रॉफिट आ रहा है, 150 रुपीज का. प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी ना बेटा, 150 रुपीज का प्रॉफिट आ जाएगा. और अगर आप प्रॉफिट परसेंट निकालोगे, सो प्रॉफिट परसेंट इज गोइंग टू बी प्रॉफिट विच इज 150 अपॉन सीपी. सीपी इज हाउ मच, 3750 × 100. 10 से 10 कैंसिल कर लो, 5 × 3 × 5 = 35, 5 × 5 = 25, 3 × 25 = 4, 3 × 3 कैंसिल, कितना आ रहा है, 4% प्रॉफिट आ रहा है, कितना आ रहा है, 4% प्रॉफिट. ओके, तो अगर आप इसे नॉर्मली करोगे यू विल गेट 4% प्रॉफिट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सवाल है, ठीक है. इसी को मैं देखिए अब रब करके आपको बता रहा हूं, प्लीज यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, या इसी क्वेश्चन को मैं अलग तरीके से करने की कोशिश करूंगा आपके लिए. अच्छा, इसका डुप्लीकेट ले आता हूं मैं, ठीक है. ओके, सो डुप्लीकेट वाली फाइल में इसको मैं रब कर देता हूं. ओके ठीक, और अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैं किस तरीके से करना चाहूंगा आपके लिए. ये तो हमने नॉर्मल तरीका अपनाया था, अब मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में आप यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हो. कैसे लगाएंगे सर यूनिटरी मेथड, वही बताना चाह रहा हूं. देखिए आपको क्या दिया है, एक दिया है एसपी, कितना दिया है, एसपी इज गिवन टू यू, कितना दिया है, 3000 रुपीज. और उस एसपी के केस में आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, 20% का लॉस. अगर अब जो नई एसपी अगर वो 3900 हो जाए तो आपको प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, क्या होगा, ये आपको बताना है. अब ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना, अगर आप यहीं पर अप्लाई कर लोगे यूनिटरी मेथड तो आप बहुत बड़ा ब्लंडर करने जा रहे हो. क्यों ऐसा मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि देखिए यहां पर क्या दिया है, यहां पर आपको लॉस दिया है 20%, और अभी हमने देखा कि आंसर हमारा क्या आया, प्रॉफिट आया. तो हम लॉस और प्रॉफिट या लॉस और गेन में तो यूनिटरी मेथड नहीं लगा सकते, बिकॉज दिस आर टू डिफरेंट थिंग्स. तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पॉजिटिव अप्रोच ऑफ परसेंटेज लगानी पड़ेगी. और उस पॉजिटिव अप्रोच ऑफ परसेंटेज में मुझे 20% लॉस को मैं क्या बोलता हूं, आई से 80%. देखिए बेटा, अगर हमारा आंसर उस पॉजिटिव अप्रोच में आ गया ना, तो वहां से हम बता सकते हैं. क्योंकि अगर मेरा आंसर 80% आ गया तो मैं कह दूंगा 20% लॉस हुआ मुझे. अगर मेरा आंसर 120% आ गया तो मैं कह सकता हूं मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ. सो वी विल अप्लाई द पॉजिटिव अप्रोच ऑफ परसेंटेज हियर, दैट्स व्हाई 20% ना लेते हुए लॉस को मैंने 80% ले लिया. तो इस वाले पोर्शन से मत करना कंपैरिजन, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव अप्रोच की ही दोनों चीजें आएंगी, क्योंकि पॉजिटिव अप्रोच इज सेम इन बोथ द केसेस, लेकिन प्रॉफिट और लॉस तो अलग अलग चीजें हैं ना. अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि जब द एसपी वॉज 3000 यू आर गेटिंग 80%, आपको 80% मिल रहा था. 80% मिलने का मतलब क्या है कि आपको 20% नहीं मिला ना, तो आपको 20% का लॉस हुआ. सो अगर 3000 में आपको 80% मिल रहा है तो 3900 में डेफिनेटली आपको 80 से ज्यादा ही मिलेगा, मोर. ये समझ में आना चाहिए, व्हेन इन 3000 यू आर गेटिंग 80%, सो इन 3900 डेफिनेटली यू विल गेट मोर देन 80% यार. सो व्हेन एवर मोर कम्स इन द पिक्चर द फॉर्मूला बिकम्स मोर बाय लेस. सो मोर इज 3900, लेस इज 3000 इंटू इंडिविजुअल वैल्यू इज 80%. ओके, 3 जीरोस कैंसिल, 3 13 टाइम्स
and 13.8 is 104%. So you are having 104%. And what does it mean? 104% का मतलब क्या है? कि आपको 4% का profit हो गया. देखिए, अगर हमने पीछे देखा था, we have got 4% profit only. Okay, so here we have applied the unitary method and you have got again 4% profit. कैसे उस positive approach of percentage से? 104% का मतलब क्या होता है? What is the meaning of 104%? That you have got 4% more than 100 ना? 4% more मतलब that is profit. 100 का मतलब क्या है? No profit, no loss. Okay? Please do watch my video based on percentage. सारी चीजें इसमें cover करिए. Even in profit and loss में भी मैंने चीजें बच्चों को बताई हैं. तो please do watch that particular video. और ज्यादा क्लैरिटी आएगी. तो मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि यहां पर एसपीएसपी सेम दिया है. हाँ, लॉस और प्रॉफिट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. लॉस और प्रॉफिट में आप यूनिटरी मेथड लगा ही नहीं सकते. हाँ, बट पॉजिटिव अप्रोच ऑफ परसेंटेज क्योंकि हमें मालूम है, दैट्स वाई हम लोग यहां पर यूनिटरी मेथड लगा सके. ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन है, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, फिर से क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रॉफिट और लॉस का है, लेकिन आपको कुछ क्वांटिटी निकालनी है, तो इसमें भी भरपूर तरीके से यूनिटरी मेथड का हम लोग यूज करने वाले हैं. कैसे करेंगे लास्ट में आपको समझ में आएगा. आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा पॉज करके. मुझे मालूम है मेजॉरिटी से क्वेश्चन नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें पूछी ही क्या है, व्हाट शुड बी सोल्ड, हाउ मेनी बॉल पेन्स पूछा है, तो क्वांटिटी ऑफ बॉल पेन्स. एसपी सीपी में है तो हम हमेशा या तो एसपी निकालते हैं, सीपी निकालते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं, लॉस निकालते हैं. इसमें तो पूछा है कुछ और है, तो क्या क्या अप्रोच रहने वाली है, ध्यान से देखिएगा. By selling 90 ball pens, मतलब selling price of SP of 90 ball pens आपको कितनी दी है? कितनी दी है? Rupees 160. और एक आदमी को loss हो गया, कितने का loss हो गया? 20% का. इन दोनों condition से क्या आप CP of 90 balls निकाल सकते हो आराम से? कैसे निकालोगे? आपको मालूम है SP is a function of CP. 20% loss का मतलब है 80/100. और यहां से जो भी CP आएगा, it will be of 90 ball pens only, क्योंकि SP of 90 ball pens लिया है आपने. तो सीपी ऑफ 90 बॉल पेन्स ही आएगा. तो सीपी ऑफ 90 बॉल पेन्स इज गोइंग टू बी एसपी. एसपी इज 160 इंटू 100 अपॉन 80. 80 टू टाइम्स. तो सीपी मैं यहां पे लिखूंगा, सीपी ऑफ 90 बॉल पेन्स कितना आ गया? 90 बॉल पेन्स आ गया 200 रुपीज. ठीक है, तो ये तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं यहां तक हमें. अब हमसे क्या पूछा गया है? अब हमसे पूछा गया है कितनी बॉल पेन्स, ये हम देख लेंगे बाद में. शुड बी सोल्ड फॉर रुपीज 96 so as to have a profit of 20%. Now see, ये हम बाद में देखेंगे 96 में कितनी बॉल पेन्स बेचेंगे ताकि 20% का प्रॉफिट हो. पहले 20% वाली कंडीशन निकालते हैं और ये जो 90 बॉल पेन है इसी के रिस्पेक्ट में एसपी निकालते हैं. फिर हम 96 के रिस्पेक्ट में भी एसपी निकालेंगे बहुत आराम से. ठीक है, मतलब 96 रुपीज के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ बॉल पेन यूनिटरी मेथड लास्ट में लगा के निकाल लेंगे. तभी मैंने क्वेश्चन आपको दिया है. अब यहां पर क्या होगा ना, अब यहां पर यू हैव गॉट द सीपी. सीपी कितना है आपका? 200 रुपीज. दिस इज सीपी ऑफ हाउ मेनी बॉल पेन्स? 90 बॉल पेन्स. तो यहां पर जो भी एसपी आएगा, नया एसपी, पुराना वाला तो लॉस वाले केस में था. अब हमें प्रॉफिट चाहिए. कितना प्रॉफिट चाहिए? प्रॉफिट चाहिए हमें 20%. तो जो न्यू एसपी होगा, न्यू एसपी ऑफ 90 बॉल पेन्स, और ये किस केस का एसपी है? व्हेन प्रॉफिट इज 20%. सो एसपी ऑफ 90 बॉल पेन्स, एसपी इज अ फंक्शन ऑफ सीपी, 200 इंटू 120 अपॉन 100. 20 से 20 कैंसिल, सो इट्स गोइंग टू बी 240. सो दिस 240 रुपीज इज द एसपी ऑफ 90 बॉल पेन्स इन ऑर्डर टू गेट 20% प्रॉफिट. अब देखो मैं यहां पर कैसे यूनिटरी मेथड का यूज करता हूं, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है. ये तो नंबर ऑफ बॉल पेन्स, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, देखिए 240 रुपीज जब मेरी एसपी थी. ध्यान से देखना, यहां पर एसपी और यहां पर नंबर ऑफ बॉल पेन्स को अब मैं कंपेयर करूंगा. और ध्यान दीजिएगा, बिकॉज आई एम टेकिंग दिस 20% वाला एसपी, 20% प्रॉफिट वाला एसपी, तो ऑटोमेटिकली जो भी मैं कैलकुलेट करूंगा, इट विल बी रिलेटेड टू 20% एसपी, 20% प्रॉफिट ओनली. ओके, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस कंडीशन. देखिए 240 रुपीज एसपी था, उसमें कितनी बॉल पेन्स थी? 90 बॉल पेन्स की कंटेक्स्ट में मैं बात कर रहा था, 90 पेन्स. अब मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप 96 में बेचोगे कितने पेन ताकि आपको 20% का प्रॉफिट हो जाए. अब ये तो मुझे मालूम है कि अगर मैं 240 रुपीज में 90 बॉल पेन्स बेचूं तो मुझे 20% का प्रॉफिट होगा, दैट वट आई नो. बट 96 का मुझे पता नहीं है, तो मैं यहीं से ले लेता हूं कि 96 रुपीज में मुझे कितने बॉल पेन्स बेचने पड़ेंगे. डेफिनेटली 90 से तो कुछ कम ही होंगे. 240 में जब मैं 90 बॉल पेन्स बेच रहा हूं तब मैं 240 कमा रहा हूं, तो अब 96 कमाने हैं मुझे. 20% प्रॉफिट वाली कंडीशन है ये. दिस कंडीशन इज ऑफ 20% प्रॉफिट, एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट दैट नंबर ऑफ बॉल पेन्स विच विल बी रिलेटेड टू 20% प्रॉफिट. सो एट द एंड अगेन व्हाट वी हैव डन,
वी हैव अप्लाइड यूनिटरी मेथड ओनली. प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल ले, लेकिन बिना यूनिटरी मेथड के लास्ट में आ नहीं सकता है सवाल. तो हमने पहले 20% प्रॉफिट के कंटेक्स्ट में क्या क्या देखा, जो भी हमें दिया था 90 बॉल पेंस दिया था, इसी के कंटेक्स्ट में हमने एसपीबी निकाला, फिर हमने उसको यूनिटरी मेथड से कंपेयर कर लिया, दैट्स इट. सो व्हाट इज द आंसर, क्या आंसर आ रहा है? बच्चे बोल रहे हैं 36, लेस कितना है 96 बाय 240 इनटू इंडिविजुअल कितना 90 पेंस. ओके, जीरो से जीरो कैंसिल करो, 36 पेंस. इसका मतलब 96 रुपीज में आपको 36 पेंस बेचने पड़ेंगे तब आपको 20% का प्रॉफिट मिलेगा. सो दिस कंडीशन वाज रिलेटेड टू 20% प्रॉफिट ओनली. बेटा आई हैव टेकन एसपी ऑफ 90 बॉल पेंस, दिस एसपी ऑफ 90 बॉल पेंस इज रिगार्डिंग 20% प्रॉफिट. ये तो 20% प्रॉफिट का है, तभी तो वी हैव गॉट दिस 36 पेंस ऑफ रुपीज 96 विथ रिस्पेक्ट टू 20% प्रॉफिट ओनली. ओके, तो हमने 20% प्रॉफिट में जो हमने एसपी निकाला उसी से उसी में यूनिटरी मेथड लगाया. अब हम चाहे उसमें एक पेन का निकालें, दो पेन का निकालें, आपको मालूम होना चाहिए कि कभी भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता. एंड इवन आई हैव टोल्ड यू दैट परसेंटेज डज नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी. सो डोंट थिंक कि 90 बॉल पेन्स बेचने में ही मुझे 20% का प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है. 36 पेन्स बेचने में भी आपको 20% का प्रॉफिट मिल सकता है, हाँ, बशर्ते कि आपको 96 रुपीस का बेचना होगा. 90 बॉल पेन्स आपने 240 रुपीस का बेचा, तो 36 बॉल पेन्स आपको 96 रुपीस का बेचना होगा. इसी को हमने उल्टा देखा कि जब 240 रुपीस मैंने कमाए 90 बॉल पेन्स बेचने में तो मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ. तो अब 96 रुपीस में कितने में पेन्स को बेचूंगा, सो वो लेस पेन से होंगे और वो कैलकुलेट करके आया 36. ओके, सो इन दिस वे वी कैन अप्लाई द मेथड ऑफ यूनिटरी मेथड इन वेरियस चैप्टर्स. आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन. ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, और अगेन दिस इज अ रियली अ वेरी टफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन मेंसुरेशन. ओके, तो इसमें भी यूनिटरी मेथड लगेगा लास्ट में, क्योंकि व्हाट यू हैव टू फाइंड द वेट ऑफ द बॉक्स. और वेट ऑफ द बॉक्स किस पे डिपेंड करता है, इस पे देखिए, ये आपको गिवन है बेटा 1 सेंटीमीटर. देखिए आपको गिवन क्या है, मैं ना आपको आपका पर्पस बता देता हूं इस क्वेश्चन में. इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि 1 सेंटीमीटर का जब वॉल्यूम है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का जब वॉल्यूम है उस वुडन बॉक्स का या उस वुड का, तब उसका वेट कितना है, तब उसका वेट कितना है 0.8 ग्राम. आपको निकालना है फाइंड द वेट ऑफ द बॉक्स. अब जो भी रियल वॉल्यूम होगा मेरा उस वुड का, उसके हिसाब से यहां पर वेट कितना होगा वो मैं आराम से कैलकुलेट कर लूंगा. सो एट द एंड यू हैव टू अप्लाई द यूनिटरी मेथड ओनली. मतलब अवर पर्पस इज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुडन बॉक्स. जो मेंसुरेशन का पार्ट है उसमें वो क्या है, यू जस्ट हैव टू फाइंड द वॉल्यूम. दिस इज द डेटा विच इज गिवन टू यू, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम वेज 0.8 ग्राम्स. अगर कोई बॉक्स 1 सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम हो अगर किसी वुडन बॉक्स का, तो उसका वेट 0.8 ग्राम होगा. तो जो हमारा बॉक्स है उसका वॉल्यूम कितना होगा, उसके कंटेक्स्ट में हम उसका वेट निकाल सकते हैं. सो व्हाट इज आवर एम नाउ इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स. और वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स या वुडन बॉक्स कैसा आएगा, वॉल्यूम ऑफ, और ये बेटा ओपन वुडन बॉक्स है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसके एक्सटर्नल और इंटरनल डायमेंशन मैं बता देता हूं, इसको हम मेंसुरेशन में और डिटेल से करेंगे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. एक्सटर्नल डायमेंशन क्या दिए हैं आपको, एक्सटर्नल डायमेंशन क्या दिए हैं, लेंथ कितनी दी है आपको, लेंथ इज गिवन हाउ मच, 98. ओके, विड्थ इज गिवन हाउ मच, 84. एंड हाइट इज गिवन हाउ मच, 77. दिस आर ऑल इन सेंटीमीटर्स ओनली. ठीक है, अब आपको यह ध्यान रखना है, बिकॉज इट इज एन ओपन बॉक्स, ओपन वुडन बॉक्स, तो जो ऊपर से खुला है तो ऊपर से थिकनेस नहीं होगी. तो ये जो 2 सेंटीमीटर की जो थिकनेस है वो चारों तरफ तो होगी लेकिन ऊपर नहीं होगी. तो जब मैं लेंथ कैलकुलेट करूंगा, इंटरनल डायमेंशन की अगर मैं बात करूंगा उस बॉक्स के, क्योंकि जब आप एक्सटर्नल से इंटरनल माइनस करोगे तभी आपका वॉल्यूम ऑफ वुड आएगा. जैसे कि क्रीम रोल का एक अच्छा एग्जाम्पल मैं बच्चों को हमेशा देता हूं, अगर आपको क्रीम रोल का उस क्रंची पार्ट को निकालना है तो आप उसकी क्रीम खा लोगे, यू विल सक द क्रीम एंड यू विल गेट दैट आउटर पोर्शन. सो आउट ऑफ द टोटल क्रीम रोल व्हाट यू हैव डन, यू हैव सक्ड द इनसाइड क्रीम. ओके, सो यू हैव गॉट द आउटर पार्ट. इन द सेम वे व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वुड, सो व्हाट यू विल डू, आउट ऑफ द टोटल बॉक्स सबट्रैक्ट द इनर वॉल्यूम. ओके, एज वी हैव सबट्रैक्टेड द
द इनर क्रीम इन इन केस ऑफ क्रीम रोल. इन द सेम वे बॉक्स में क्या करेंगे हम, बॉक्स का पूरा वॉल्यूम निकालेंगे. पूरा वॉल्यूम कितना जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच. उससे किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनर वॉल्यूम को. उससे क्या जाएगा, ओनली द वॉल्यूम ऑफ वुड. जैसे क्रीम रोल का केस है, क्रीम रोल का टोटल वॉल्यूम माइनस क्रीम का वॉल्यूम इज इक्वल टू ओनली द आउटर क्रंची पार्ट. ओके, सो दिस इज ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द चैप्टर कॉल्ड मेंसुरेशन. यहां पर हमारा पर्पस अभी इसको समझना नहीं है, हमारा पर्पस है यूनिटरी मेथड को समझना. तो उसको हम फटाफट से निकालते हैं. इंटरनल लेंथ इज गोइंग टू बी, ये ध्यान रखना, जब हम लेंथ निकालेंगे तो यहां पर 2 सेंटीमीटर की थिकनेस, यहां पर 2 सेंटीमीटर की थिकनेस. आई एम नॉट ड्रॉइंग द डायग्राम राइट नाउ, मैं चाहूं तो डायग्राम भी बना सकता हूं इस तरीके से, क्योंकि मेरा पर्पस आपको सिर्फ यूनिटरी मेथड समझाना है. ये ओपन वुडन बॉक्स है, तो जब हम एक्सटर्नल निकालेंगे वो तो हमें डायमेंशंस दिए. इंटरनल निकालने के लिए देखो, 2 सेंटीमीटर की थिकनेस यहां, 2 सेंटीमीटर की थिकनेस यहां माइनस हो जाएगी और ये इंटरनल लेंथ आ जाएगी. तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये हो जाएगा 98 - 4, इट्स गोइंग टू बी 94 सेंटीमीटर. क्यों करा माइनस फोर, क्योंकि 2 सेंटीमीटर की थिकनेस यहां पर है वुडन की और 2 सेंटीमीटर की थिकनेस यहां पर है, तभी तो आप अंदर का वॉल्यूम निकाल सकते हो. उसी तरीके से अगर मैं बात करूंगा विड्थ की, विड्थ यहां पर है बेटा, तो ये 2 सेंटीमीटर की थिकनेस यहां और 2 सेंटीमीटर की थिकनेस यहां, यहां भी विड्थ में भी क्या होगा, इट्स गोइंग टू बी 84 - 4, इट्स गोइंग टू बी 80 सेंटीमीटर. बट इन द केस ऑफ हाइट, बिकॉज इट इज एन ओपन वुडन बॉक्स, हाइट में ऊपर से कुछ भी नहीं है, ऊपर से कोई लकड़ी नहीं है, तो सिर्फ नीचे की थिकनेस माइनस होगी, ओनली 2 सेंटीमीटर यू विल सब्ट्रैक्ट. दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज फार एज मेंसुरेशन इज कंसर्न. सो इट्स गोइंग टू बी ओनली 77 - 2, इट्स गोइंग टू बी 75 सेंटीमीटर. सो दिस पॉइंट इज ओनली वेरी इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल पॉइंट यही है इसमें समझना, क्योंकि इट इज एन ओपन बॉक्स. क्लोज होता तो फिर दोनों थिकनेस सब्ट्रैक्ट करते आप, ओपन है तो फिर हाइट में तो वो ऊपर से जो खुला हुआ बॉक्स है उसमें सिर्फ हाइट में इंपैक्ट पड़ेगा. हाइट में 4 सेंटीमीटर माइनस नहीं करोगे आप, नीचे की थिकनेस माइनस करोगे, ऊपर तो है ही नहीं कुछ, ऊपर से तो खुला है बॉक्स. सो दैट्स व्हाई यू हैव गॉट द एक्सटर्नल एंड इंटरनल. ओके, तो यहां से अगर आप निकालोगे वॉल्यूम ऑफ वुड, ऐसे निकाल लेता हूं मैं, इफ यू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वुड, सो द वॉल्यूम ऑफ वुड इज गोइंग टू बी एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम. ओके, इस तरीके से कर सकते हैं. एंड व्हाट इज द एक्सटर्नल वॉल्यूम, एल इन टू बी इन टू एच. क्या डायमेंशंस दिए मुझे, 98 - 84 - 78 - 84 - 77 माइनस आपको इंटरनल क्या है, 94 - 80 - 75. ओके, सो दिस व्हाट यू हैव टू डू. आप चाहो तो पहले चीजें कॉमन ले सकते हो थोड़ा सा, आप चाहो तो पहले 4 कॉमन ले लीजिए, उससे होगा क्या चीजें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएंगी. 4 कॉमन लिया मैंने, 4 आप कहीं से भी ले लीजिए, मैं यहां से लेना चाह रहा हूं 4. सो इट्स गोइंग टू बी 98 - 4 कॉमन ले लेते, 4 2 8 4 1 21 यहां पर आ जाएगा, इंटू 77 माइनस 4 ले लिया तो 4 यहां से ले लेता हूं, 94 - 20 - 75. ठीक है, इतना कॉमन ले लिया आपने. फर्दर क्या कॉमन ले सकते हैं आप, 2 कॉमन ले सकते हैं. 7 कॉमन लेंगे तो 7 से कट रहा है, कुछ और कट रहा है, नहीं कट रहा बेटा ना, 7 यहां तो है, यहां तो नहीं है ना, तो आप 2 ले लीजिए सपोज, तो 2 लो लोगे तो ये 8 हो जाएगा. 2 कॉमन ले लिया तो इसको फिर आप 2 से कर लीजिए, ये हो जाएगा कितना, 49. सो 49 - 21 - 77 माइनस ये हो जाएगा, 2 से इसको छोटा कर लीजिए, दिस इज 2 कॉमन ले लिया कितना जाएगा, 47 - 20 - 75. अब कुछ कॉमन ले सकते हैं आप जो दोनों में हो कॉमन, कैन यू टेक एनीथिंग कॉमन. अब कुछ चीज कॉमन ली नहीं जा रही, तो नाउ व्हाट यू कैन डू, नाउ यू कैन मल्टीप्लाई एंड सॉल्व इट. अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 ले सकते हैं, वेरी गुड. तो 3 ले लीजिए तो 8 - 3 - 8 - 24 बाहर आ गया. 3 कॉमन ले लिया तो 3 आप कहीं से भी ले सकते हैं, यहां तो 3 7 टाइम्स, तो 49 - 7 - 77 माइनस 3 47 - 20 - 25. ठीक है, तो चीजें देखिए, जब आप कॉमन लेते हो तो चीजें और सिंप्लीफाई होती है. डायरेक्टली हम चाहते तो 24 कॉमन ले सकते हैं. अब हम कुछ कॉमन ले सकते हैं. ओके, अब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो 77 - 7 - 7 - 49 कैरी 4, 7 - 7 - अगेन 49 - 49 and 4 - 53. तो ये आ गया 539, और 539 को अगर आप 49 से करोगे, सो 9 - 9 - 81 कैरी 8, 9 - 3 - 27 - 27 and 8 - 35 कैरी 3, 9 - 5 - 45 - 45 and 3 - 48.
ओके और ये आ जाएगा 4 है तो 9 4 जा 36 कैरी 3 4 3 जा 12 1 3 15 कैरी 1 5 4 जा 20 21 सो इट्स गोइंग टू गिव यू 1 6 5 11 14 कैरी 1 4 5 6 ये आ गया 2 6 4 1 1 सो क्या आ गया 24 ब्रैकेट में आ गया 26411 माइनस इसको करो ये तो आसान है 47 इंटू 5 करना है बस 47 इंटू 5 करेंगे तो दो जीरो लगा देंगे 75 से 35 का 5 कैरी 3 5 4 से 20 23500 तो ये आ रहा है 23500 देखो कितना आ रहा है यहां पर इसको सब्ट्रैक्ट करके कितना आ रहा है सो इट्स गोइंग टू बी 25 और इंटू 26411 26411 माइनस 23500 तो यहां कितना आ गया 11 आ गया कैरी 1 लिया 9 आ गया 23 24 25 सो 2911 तो ये है 2911 अब इसको फर्दर सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि अभी चीजें अभी स्कोप है ये आ गया मेरा वॉल्यूम ऑफ वुड 24 इंटू 2911 अब देखिए मैं फिर से यहां जाता हूं तो अब मुझे यहां पर निकालना था देखिए वॉल्यूम ऑफ वुड ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं वॉल्यूम ऑफ वुड आ चुका है मेरा 24 इंटू 2911 सेंटीमीटर क्यूब एवरीथिंग वॉज इन सेंटीमीटर अब आप खुद ही देखिए 1 सेंटीमीटर का वेट अगर 0.8 ग्राम है तो इतने का वेट कितना जाएगा मोर तो आप मोर करोगे मोर बाय लेस तो मोर इज 24 इंटू 2911 अपॉन लेस इज 1 नीचे इंटू इंडिविजुअल वैल्यू इज 0.8 ग्राम्स इसको आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द आंसर सो इट्स गोइंग टू बी अगर आप 8 से करोगे 8 वन जा 8 8 वन जा 8 ओके 8 9 जा 72 कैरी 7 8 टू जा 16 17 18 19 20 21 23 2 3 8 8 इट्स गोइंग टू बी 24 इंटू 2 3 2 8 8 एक पॉइंट भी आ जाएगा ठीक है इसको 24 से मल्टीप्लाई करो उतना ग्राम्स आपका आंसर आ जाएगा ठीक है मल्टीप्लाई इट बाई 24 सो 23288 को 24 से सो 8 4 जा 32 कैरी 3 8 4 जा 32 35 कैरी 3 8 9 10 11 कैरी 1 12 13 कैरी 1 9 ओके फिर 2 से करोगे 16 कैरी 1 17 कैरी 1 5 6 4 तो आ जाएगा 2 11 कैरी 1 9 8 5 सो ये आ गया 558912 एक पॉइंट भी आ जाएगा इतना ग्राम्स आ गया आप चाहो तो इसको 1000 से डिवाइड करके इसको केजी में भी कैलकुलेट कर सकते हो ओके तो इट्स गोइंग टू बी आई थिंक 55.8912 केजीस ओके तो बेसिकली एंड में क्या लगाना पड़ा यूनिटरी मेथड ओनली ठीक है 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट अगर इतना है तो इसका कितना होगा इट्स गोइंग टू बी मोर अगेन मोर बाय लेस इनटू इंडिविजुअल वैल्यू लगाया तो ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में भी लास्ट में कहीं ना कहीं आपको यूनिटरी मेथड का कॉन्सेप्ट देखना पड़ रहा है अदरवाइज आप सिर्फ वॉल्यूम ही कैलकुलेट कर पाओगे आगे की चीज आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी सो आई होप कि आज का जो सेशन है आपको इंपॉर्टेंट लगा होगा कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है लास्ट में आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा वी बेसिकली डील इन आरएमसी आरएमएस सैनिक स्कूल ये हमारे जूनियर कोर्सेज हैं और एनडीए सीडीएस एफकैट सीएपीएफ टेरिटोरियल आर्मी एसीसी ये हमारे सीनियर कोर्सेज हैं तो अगर आप आरएमसी की प्रिपरेशन लाइव करना चाहते हैं या आप हमारे पास ऑफलाइन आना चाहते हैं या आप हमसे रिकॉर्डेड कोर्स चाहते हैं हम बहुत रीजनेबल प्राइस में रिकॉर्डेड कोर्स भी बच्चों को देते हैं और काफी अपडेटेड वो रहता है जो भी हम यहाँ लाइव या ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाते हैं उसी को रिकॉर्ड करके हम बच्चों को देते हैं ऑन अ डेली बेसिस तो आपको अगर कोई भी कोर्स चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हो या इन एग्जाम्स के बारे में इफ यू वांट एनी इंफॉर्मेशन प्लीज कॉल अस इन द गिवन नंबर्स साथ ही साथ आरएमसी दिसंबर 2024 का क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू ज्वाइन एनी ऑफ द एकेडमी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आरएमसी तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जरूर नोटिफिकेशन को देखें आरएमसी का फॉर्म कैसे भरना है उसको देखें अगर कोई डाउट होगा तो हमसे जरूर संपर्क कीजिएगा बट आई जस्ट वॉन्ट टू फोकस ऑन दैट पॉइंट दैट दिस इज द बेस्ट टाइम टू ज्वाइन एनी अकेडमी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आरएएमसी साथ ही साथ अगर आप आरएमएस और सैनिक स्कूल के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वी ऑल्सो हैव अ लाइव कोर्स देयर प्लस वी ऑल्सो टीच स्टूडेंट्स ऑफलाइन तो आपके पास दोनों ही ऑप्शन हैं लिमिटेड सीट्स आर देयर यू कैन रजिस्टर एज सून एज पॉसिबल एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट
NDA CDS offline batch is there. If you want to join us, do call us. These are the numbers. और हम आपकी जो भी इंक्वायरी होगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, उसको हम जरूर रिजॉल्व करेंगे. इसी नोट के साथ आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा. मैं आपसे अलविदा लेता हूं और मिलूंगा आपसे बहुत जल्द. बाय बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद.